नमस्कार, दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 29 अक्टूबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है। इधर देखिए, ये इसमें ये पैटर्न बना है, ट्रायंगल का पैटर्न, थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है। इधर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इधर भी थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब ये इसका ब्रेक करेगा तो 715, ये निफ्टी फ्यूचर ब्रेक करेगा तो ये और भी ऊपर जा सकता है, 750 780 तक जा सकता है। और इसका 850 में भी इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ये नीचे आएगा तो इसका फर्स्ट सपोर्ट है इधर 11,550 पकड़ सकता है, उसके बाद 11,452, उसके बाद 11,375 इसमें इधर सपोर्ट है, 11,321 में, इसके बाद ये और भी नीचे जा सकता है 11,170 में, 11,150 पकड़ सकता है, उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी में इसका देखेंगे तो इधर भी ये एक पैटर्न ब्रेक किया है, ट्रायंगल का पैटर्न, एसिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक किया है। और इधर ये 11,29,760 ब्रेक करेगा तो ये और भी ऊपर जाएगा, ये इसमें इस लेवल तक आ सकता है, 29,968 तक आ सकता है, उसके बाद ये 30,000 का ऊपर आ सकता है, उसके बाद इस रीजन पे आ जाएगा, मतलब 30,560 30,500 के ऊपर। और नीचे ये आ सकता है ये लेवल के नीचे, मतलब 29,052 के नीचे, ये 28,632, उसके बाद 28,384, उसके बाद इसका ये लास्ट सपोर्ट है 29,27,642, उसके बाद ये 27,644 27,26,950 तक आ सकता है। तो ये दोनों में ही ट्रेंड आप में दिख रहा है, तो लगता है ये आप ट्रेंड में जाएगा। इसका ऑप्शन चेन मैंने देखूंगा तो निफ्टी का पीसीआर रेशियो 1 से थोड़ा सा ऊपर है। इसका रेजिस्टेंस है 11,700 में, इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और इधर सपोर्ट है इधर 11,600 में, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इधर सो कॉल कॉल साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग साइड भी, पुट साइड भी शॉर्ट बिल्डअप, मतलब सॉरी साइडवेज मूवमेंट का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और लेकिन इधर कॉल साइड में थोड़ा सा कम शॉर्ट बिल्डअप है, और इधर लॉन्ग साइड में थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप है। इधर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इधर ज़्यादा है, इधर 319 125 इधर 44 325, तो ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी हो सकता है। और बैंक निफ्टी का देखेंगे तो पीसीआर रेशियो 1 से थोड़ा सा कम है, इधर 29,000 में इसका रेजिस्टेंस है और 29,000 में इसका सपोर्ट है, ये दोनों साइड में कॉल और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो इधर कॉल और पुट साइड दोनों साइड में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा है, ये भी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहेगा लेकिन अप ट्रेंड में ज़्यादा होगा। और इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे तो 3 दिन का हिसाब से तो ये प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, निफ्टी थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, नीचे ट्रेंड प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर अप ट्रेंड दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।